अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्या है आपका गॉसेस लॉ। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, वो क्या बताता था हमें? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें बताता था कि जो आपका फाई है वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गॉसेस लॉ। ठीक है, जो कि अपने ही साइंटिस्ट के नेम पर इस लॉ को नाम दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। वो कहते हैं किसी भी सरफेस में जिस में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है वो क्या है, अपने ही सरफेस के 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम जो है वो चार्ज के इक्वल होता है। ठीक है जी, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने कल एक इक्वेशन पढ़ी थी जो कि क्या थी, फाइव ई जो है वो आपका क्या था, फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री प्लस अप टू फाइव एन तक था। उसके बाद हम अभी बात कर रहे हैं कि फाइव जो है वो क्या है। यहाँ पे उसने क्या बात की है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है, अपने चार्ज के 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स जो है इक्वल है या इनक्लोज्ड इन इट है। तो उसी को हम देख लेंगे, ये यानी कि फार्मूला बनता है। अब बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यू वन ओवर, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो ये बन जाएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्यू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू टू ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू थ्री ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड अप टू क्यू एन ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आपने देखा होगा सब में कॉमन आ रहा है, तो जो चीज़ कॉमन आ रही होती है हम उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर लिखने से हमें ये मिलेगा कि हमारे लिए आसानी हो जाती है, क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस क्यू एन। ठीक है जी, अब क्या आ गया, फाई ई। अब ये क्या है बेसिकली, ये तो है वो टोटल चार्ज जो कि किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज हुआ हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, फाई ई इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे चार्जेस की जगह पे हम क्या लिख देंगे, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ठीक है, तो उस टोटल चार्ज इनक्लोज्ड को हम एक ही नाम दे देंगे, इतने सारे क्यू को हम एक कैपिटल क्यू की फॉर्म में हम लिख देंगे, तो बन जाएगा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब बेसिकली क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू जो है वो नंबर ऑफ चार्जेस है, जितने भी चार्जेस थे किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज हुए हुए। ओके, अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि गॉसियन सरफेस होती क्या है बेसिकली। तो गॉसियन सरफेस जो है वो एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है, किसी भी कोई भी शेप है, कोई भी ऐसी शेप जिसकी कोई ख़ास मतलब डिफाइंड शेप नहीं है, डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट वेयर वी वॉन्ट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यानी कि गॉसियन सरफेस के एक ऐसी सरफेस है, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जो हम सपोज करते हैं, जो कि किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात कर रहे होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वी टेक द फॉलोइंग स्टेप। अब हमें कुछ चंद अहम स्टेप्स जो हैं वो माइंड में रखने चाहिए जब कभी भी हम क्या कर रहे हों, अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर रहे हों। पहला पॉइंट तो हमारा ये है कि सबसे पहले हमें एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो इमेजिन कर लेनी चाहिए। सपोज करें कि यहाँ पे ये एक गॉसियन सरफेस है, यानी कि कोई भी आपने चार्ज प्लेस किया है, उस चार्ज के आसपास हम अपने माइंड में एक सरफेस सपोज कर लेंगे, उस सरफेस को हम अपना नाम दे देते हैं, दैट इज़ आवर गॉसियन सरफेस। ठीक है जी, कंसिडर एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच पास थ्रू दैट पॉइंट, फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। हमने क्या फाइंड करना है कि जो गॉसियन सरफेस जिस चार्ज के इर्द गिर्द है उस चार्ज को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा चार्ज है बेसिकली जिसके इर्द गिर्द क्या है हमारी गॉसियन सरफेस हमने सपोज करके रखी हुई है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने उसका फ्लक्स कैलकुलेट करना है। नंबर फोर्थ पॉइंट, नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमने उस सरफेस का जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि उस सरफेस में से कितना
अपनी फील्ड लाइंस जो हैं वो एक यूनिट टाइम में जो है वो क्रॉस कर रही हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपने फोर्थ पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है वो है अप्लाई गॉज़स लॉ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उस जगह पे उसी सरफेस को जिसको आपने कंसीडर किया था, जिसको आपने एक इमेजिनरी सरफेस को सपोज किया था, आपने उसी सरफेस पे क्या फाइंड करनी है, अपना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो उसको फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, गॉज़स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है जी। ये तो थी हमारी गॉशियन सरफेस। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज्ड स्फीयर, कि अगर एक चार्ज स्फीयर है जो अंदर से बिल्कुल खाली है, उस चार्ज स्फीयर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, कितनी होगी, कैसी होगी, मैक्सिमम, मिनिमम, जो भी है। ओके, इससे पहले इसके लिए आपको क्या करना है कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड होलो कंडक्टिंग स्फीयर कंसीडर करना है जिसका रेडियस आर है, गॉशियन सरफेस उसमें अपने गॉशियन सरफेस एक्सपोज करनी है। क्यों सपोज करनी है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उसी स्फीयर के अंदर हमने क्या कैलकुलेट करनी है, अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। वी इमेजिन अ गॉशियन स्फीयर ऑफ अ रेडियस आर इनसाइड द स्फीयर वेयर द रेडियस ऑफ द गॉशियन स्फीयर आर इज़ लेस देन द आर, यानी कि हमने कंसिडर कर लिया है कि आर डैश जो है वो आपकी गॉशियन स्फीयर है और आर जो है वो आपका ओरिजिनल रेडियस है। आर डैश क्या है, आपका गॉशियन स्फीयर का रेडियस, और आर क्या है, आपका ओरिजिनल रेडियस है। फिर आ जाते हैं चार्ज इनक्लोज्ड, यानी कि उस सरफेस के अंदर जो आपका चार्ज है। अब मैं आपको फिगर दिखाती हूँ, एक डायग्राम बताती हूँ, उसके तहत हमारे चार्ज की जो उसके अंदर जो चार्ज है वो बेसिकली क्या है। ओके, ये हमारी डायग्राम है, ये एक होलो स्फीयर था, ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन में आपको शो हो रहा है ये बेसिकली क्या है, ये एक चार्ज्ड सरफेस है, वो गॉशियन सरफेस है जो हमने कंसीडर की है, ठीक है जी। ये और ये वाला जो रेडियस है यहाँ से, ये आर डैश वाला, ये रेडियस जो है बेसिकली गॉशियन सरफेस का रेडियस है, और ये जो रेडियस है ये क्या है, आपका ओरिजिनल रेडियस है। फ्लक्स थ्रू द सरफेस, इस पूरी सरफेस में से जो फ्लक्स पास करेगा वो क्या है, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और इसको अब हमने मज़ीद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेशन करनी है, तो हम क्या करेंगे, बाय गॉज़स लॉ। गॉज़स लॉ अभी हमने स्टडी किया क्या था, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस इक्वेशन के थ्रू यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1, 2 and 3, इन 3 हम क्या करेंगे कि ई डॉट ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। सिंस वेक्टर एरिया कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि वेक्टर एरिया कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हम क्या कहेंगे, एरिया को नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू ज़ीरो। दस द इंटीरियर ऑफ होलो कंडक्टिंग चार्ज मेटेलिक स्फीयर इज़ द फ्री रीजन, तो हम कह सकते हैं कि जो उस सरफेस का जो इंटीरियर है, वो जो आपकी सरफेस का जो इंटीरियर पोर्शन है वो क्या है, इस वक्त मेटेलिक सरफेस का वो क्या है, आपका फ्री रीजन है। इसकी जगह पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम कोई अपरेटस प्लेस करते हैं किसी भी मेटल इंक्लोजर में, तो उसको हम कह देंगे कि इट इज़ अ शील्डेड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का लेक्चर बस इतना ही था, इंशाल्लाह विल मीट अगेन।